आज तो ये बहुत रो रहा है भाई। अच्छा एक हैक मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप इस तरह की हाई पोनी बनाए तो वो थोड़ी सी गैपिंग होती है, ऑब्वियसली हमारी हेयर लाइन बिल्कुल कि सबकी प्रॉपर नहीं होती। हम दुपट्टा शेयर ही करते हैं। नाम आया मोहम्मद अली। नाम आया क्या बोल रही है? आप बहुत प्यारी हैं। यहाँ पे फैन मूवमेंट चल रहे हैं। अली जाजू को हमने बोला खाना निकाल के लाए, हम नहीं जा सकते, सारे रश इतना हो रहा है। अली जाजू, अली जाजू के साथ तैयार होना या ज़िंदगी का कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और बच्चे को जैसे पता लग जाता है कि हमारी अम्मा आज बिज़ी हैं, आज कोई काम कर रही हैं, तो वो उस दिन और ज़्यादा तंग करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इन सब की इतनी आदत हो गई है कि अगर कभी ये ना हो तो मुझे बहुत अलग सा लगता है। कभी ये तंग ना करे तो मुझे बहुत ही खाली खाली अपनी ज़िंदगी लगती है। शायद सभी माओं का यही हाल है, तो मैं इसके साथ तैयार हो रही थी। बाबा आपका डायपर ठीक ठीक। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ठीक, तो आज निकाह भी है और शादी भी है और हाँ ठीक है। और आज मैंने ये बना दी है हाई पोनी ठीक है। आज मैं थोड़ा डिफरेंट सा तैयार हो रही हूँ। इत्तेफाक ऐसा हुआ, नहीं इत्तेफाक नहीं है, हमेशा मेरे साथ होता है। जब भी मुझे कहीं जाना होता है ना तो रायत सोता नहीं और रायत एक्स्ट्रॉर्डिनरी तंग करता। अब ये मेरी गोद में सो रहे थे ठीक है, और ये इसको मैं लिटा के आ रही हूँ बहुत देर तक, तो ये गोद में हिलता रहा। और जब मैं लिटा के आई वापस मेरे पास आ गया वहीं से, और बस इसको गोद में ही रहना है। सो मैंने काफ़ी सारा अपना जो मेकअप है ना इसी के साथ किया है ठीक है। और मेरे हाथ में दर्द हो रहा है और मैं खड़ी भी हूँ, मैं बैठी भी नहीं। अच्छा एक हैक मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप इस तरह की हाई पोनी बनाए तो वो थोड़ी सी गैपिंग होती है, ऑब्वियसली हमारी हेयर लाइन बिल्कुल कि सबकी प्रॉपर नहीं होती ठीक है। तो आपने कोई भी पैलेट ले लें, कुछ भी जिसमें से ब्लैक शेड ले लेंगे, ब्राउन मैं यहाँ पे ये वाला जो शेड है देखना ये यूज़ कर रही हूँ, डोंट टच इट ठीक है। ये शेड यूज़ कर रही हूँ और इसको आपने जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे आपको ज़रूरत है तो आपने उस पर थोड़ा सा ब्लैक कर दिया। इससे इतना कोई खास फर्क नहीं आता, बट ये है कि पिक्चर्स जब आप ले रहे होते हैं तो बहुत ही अजीब सा फेस आ जाता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप गंजे हो गए आगे से, बट ऐसा कुछ नहीं होता। हाई पोनी आपने इस तरह के कोई भी बाल बनाने हैं तो आपने ये भी करना है, वरना पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी। तो ये एक स्मॉल सा है क्या, वैसे ब्लैक पाउडर्स वगैरह मिलते हैं, वैसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं लेकिन वो सब चीज़ें आपके पास नहीं होती, हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती। सो ये चीज़ें जो सबके पास होती है ये कर सकते हैं ठीक है। देखिए ये देखो ये लेना और देखिए हम तो थोड़ी सी जो बाल वगैरह हैं इस तरह से वाइट वाइट आपकी स्कैल्प दिख रही है वो बिल्कुल हाइड हो जाएगी। टेंशन होती है चना जी, अब इनको नीचे उतरना। आज तो राहिद ने मुझे सताना है ना, आज तो राहिद ज्यादा तंग करेंगे। बेबी आप तो नहीं रोते ना, आप क्यों रो रहे हो? मम्मा पास आओ। अच्छा गाइज, तो आप लोग सबके लिए मैंने शूट किया है ये स्मोकी आई मेकअप और बहुत ही सिंपल सा ये लुक है। यहाँ पे मैंने काजल लिया है, काजल को मैंने बिल्कुल थोड़ा सा अपनी आई लेड के अंदर अंदर रहते हुए लगा लिया, मतलब आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही छोटा सा एक पहाड़ बनाया है और उस पहाड़ को पूरा फिल कर दिया है काजल से। उसके बाद मैंने एक ब्रश लिया है और कोई भी आप पैलेट ले सकते हैं, मैंने इसमें से ब्राउन और ब्लैक शेड लिया है और सेम उसी जो पहाड़ है, हमारा पहाड़ है स्मोकी आई का, उसके ऊपर हमने रख दिया है, लाइक ब्लेंड करना है और हल्के हल्के उसको बाहर लेके जाना है। बट इस ब्रश से नहीं, मैंने यहाँ ब्रश चेंज किया है, ये स्मॉल ब्रश है, वही हमें ब्राउन शेड लेना है और आपने आउटर कॉर्नर पे अपने क्रीज एरिया पे आपने इसको ब्लेंड कर देना है। एंड दिस इज़ जस्ट सिंपल, आप जितना ब्लेंड करते जाएंगे उतना अच्छा होता जाएगा। वापस से मैंने ब्रश लिया और ये बहुत ही बड़ा अच्छा टूल था मेरे पास, जो एक प्रोडक्ट है वो ये कि ब्रश पे जितना भी एक्सेस पाउडर लगा होगा ना उसको साफ़ करने के लिए, वो साफ़ किया मैंने और दोबारा से इसकी ब्लेंडिंग शुरू कर दी। ब्लेंड करते रहें और एक बहुत ही अच्छा जो है एक लुक क्रिएट हो जाएगा। स्मोकी आई में ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा मेन की है, सो उसी हिसाब से मैंने ब्लेंडिंग की है बहुत ज़्यादा। और ब्राउन शेड लिया है इसको अपने पूरे नीचे अंडर आई का भी मेकअप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है तो वहाँ पे मैंने ये लगा दिया है।
और इसको ब्लेंड कर दिया है विद अ स्मॉल ब्रशेस, क्योंकि इसका बड़ा ब्रश नहीं यूज़ कर सकते वरना आपकी पूरी आई ऐसा लगेगा कि आपकी डार्क सर्कल है। सो मेक श्योर कि जब भी आप अपनी आंखों के नीचे का मेकअप कर रहे हैं सो आपने स्मॉल ब्रश यूज़ करना है। बहुत सारा अच्छा सा मैंने मस्कारा लगा लिया है और लेंसेज में लगा चुकी थी लेंसेज। अगर आप स्मोकी आई मेकअप करा करें तो कोशिश क्या करें, हेजल या ग्रे लेंसेज लगाएं, उससे बहुत ही अच्छा आई लुक उठ कर आता है। ग्रे से ज़्यादा हेजल में अच्छा लगता है मुझे। सो इट डिपेंड कि आपके ऊपर क्या सूट करती है, और ये दोनों लुक बहुत अच्छे लगते हैं। आज तो ये बहुत रो रहा है भाई, पता नहीं क्या हो गया मेरी जानू को। कुंग फू फाइटर क्या हो रही है? मैं और वाणी आज मैचिंग कर रहे हैं। दूसरी शादी में बहना चलो रोती रहती है यार, ये हर कपड़ों में रोती है। चलो मैंने देखो चप्पल पहनी है अभी, वहाँ रखी है मेरी हील्स। गाइस हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ गाने चल रहे हैं। सो गाइस यहाँ गाने चल रहे हैं। हाय गाइस, तो अभी हम लोग पिक्चर्स ले रहे हैं और ले चुके हैं, मकसद क्या है, इब्रा जी कैमरे की फेस हो चुकी है। यहाँ पे फैन मूवमेंट चल रहे हैं। ये दोनों बच्ची आई है, दोनों ट्विन्स। आपको क्या नाम है? मेरा फातिमा। और इनका? ये दोनों आई हैं मेरी मेरे साथ पिक्चर्स लेने। ना मुझे बैठने दो, थोड़ा सा दौड़ दो, आ जाओ पिक्चर्स लेने। आप क्या बोल रही हैं? आप बहुत प्यारी हैं। बाय बाय, वली में फिर खींचेंगे। हाँ ठीक है, वली में भी पिक्चर्स लेंगे। अच्छा तो यहाँ पे हो रहा है निकाह, और अली जो है ना, अली इनके अली चाचू, अली चाचू, अली चाचू अंदर है। और हमें भी जाना था लेकिन रश इतना हो रहा है, घुस ही नहीं सकते। वो खड़े हुए कॉर्नर में, हो गया हो गया। नाम आया मोहम्मद अली। नाम आया जी हुसैन बन मोहम्मद हुसैन साहब के साथ बैंगल के मुअज्जिल है, जिसके बदले आपने वबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशा बच्चों को ही लिपस्टिक ले लेकर आ रहे शादी में। कौन सी क्या एज है आपकी? आप अपनी एज भी बता दें। 8 years old सिर्फ। और लिपस्टिक लेकर आ रही हैं ये शादी में। ग्यारह साल की 11 साल की चलो ये 12 साल की। क्या आंटी तुम 8 साल की कब हुई? तुम 7 साल की हो। तो गाइस अब खाना खुल चुका है और मेहंदी की तरह हमारे पास कोल्ड ड्रिंक ही कोल्ड ड्रिंक है। ये देखें कोल्ड ड्रिंक, हाय कोल्ड ड्रिंक वाली बच्ची, मुझे खांसी हो रही है, फिर भी कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी। अली चाचू बोल रहे हैं, अली चाचू को हमने बोला खाना निकाल के लाए, हम नहीं जा सकते, सारे रश इतना हो रहा है। अली चाचू, अली चाचू सबकी बिरयानी फेवरेट है, अभी तक बिरयानी खाते हैं। इब्रा जी बिरयानी फेवरेट है ना? बोला है हमने खाना लाने के लिए। बिरयानी फेवरेट है ना? तब की मैंने राहिद को बोला मैंने भी खाना लेने जाओ। राहिद उठो जाओ, राहिद आ है और यहाँ में सब। सो गाइज अब हम लोग खड़े हो गए, हम लोग ने बहुत ही एमरजेंसी में ली है अभी अभी फैमिली पिक्चर, बहुत एमरजेंसी में पीछे कोई सुनता नहीं है ना, हमारे घर वाले सुनते नहीं है खास तौर पे। ये आज ऑफिस से आए, नहीं रुकेंगे ऑफिस से आए ना, ये इतने तपे हुए थे आज पूरे व्लॉग में आपको फील हुआ होगा। मैं भी तपी हुई थी, मैं रात को 4 बजे अभी भी पापा नहीं आ रहे।
लाइक चैनल सब्सक्राइब और नेक्स्ट वीडियो की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।